मैं मनोज सर आपका मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस क्लास 11। कल यानी अगले इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग ने भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग ने देखा, उसे समझा। आज हम लोग भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे? दो प्रकार के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, ये भौतिक राशि जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरे बच्चे फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ होता है मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि। और सेकंड होता है मेरे बच्चे डिराइव्ड। सेकंड क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे बाबू, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फर्स्ट में हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आइए हम लोग जानते हैं इसके डिफिनेशंस के बारे में। फर्स्ट, फंडामेंटल मतलब मूल भौतिक राशि, किसे कहेंगे? फंडामेंटल का अर्थ क्या हो गया? मूल। मूल का मतलब होता है वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र हो, अर्थात अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल मूल भौतिक राशि, उस भौतिक राशि को कहेंगे जो स्वतंत्र हो। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए, पहला का एग्जाम्पल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल, इसे लेंथ, एल ई एन जी टी एच, लेंथ, टाइम, मास, करेंट, इसके अलावे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और अंतिम में अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। मेरे बच्चों फिर से बार देखें, मूल भौतिक राशि वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र हो, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो, तो वैसे राशि को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। एग्जांपल कौन कौन हो गया? लेंथ, टाइम, मास, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सात होते हैं। इसे याद कर लें, इसी पर सारा फिजिक्स जुड़ा हुआ है, इसी सात पर। इसे याद करना है, इसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे। लेंथ, टाइम, मास, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप एवं पदार्थों का मूल। अब आते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। तो डिराइव्ड किसे कहेंगे? तो वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर, आधारित भौतिक राशि पर निर्भर करता हो, उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे मेरे बच्चे? व्युत्पन्न भौतिक राशि, जो किस पर निर्भर करता हो? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर, मूल भौतिक राशि पर क्या करता हो? निर्भर करता हो। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, इंपल्स, यानी ये जितने भी हैं सारे के सारे डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड को याद रखने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे, ये सात जो मूल भौतिक राशि है उसे याद करना है। तो ये तो हो गए आपके फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है इससे उससे जुड़े बातों को जानेंगे। आइए देखते हैं नाउ, यानी भौतिक राशि जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा ध्यान दें। फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी, भौतिक राशि इक्वल टू होता क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इनटू यूनिट यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, एक्स मान लेते हैं, और एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को एम और यूनिट को यू, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि किस पर डिपेंड करता है, तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पर। तो कैसे, एग्जांपल देख लीजिए, है ना, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बोलते हैं हम लोग 10 न्यूटन, तो 10 क्या हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूटन क्या हो गया यूनिट। जैसे हम लोग बोलते हैं है ना 5 मीटर पर सेकेंड, 5 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकंड क्या हो गया मेरे बच्चे यूनिट, एटीसी। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किससे जुड़ा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ये आगे भी आप लोग को काम देगा इसी में, है ना। अभी इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, अब इसमें जानते हैं कि सर यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो समझ में आता है, 10, 5 है ना, 2, 1, 7 ये सब क्या है न्यूमेरिकल्स वैल्यू, आंकिकी संख्या, और यूनिट। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट, जिसको बोलते हैं इकाई या मात्रक। तो कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट को जानेंगे, आज इतने सारे बातों को जाने। और मेरे बच्चे जो भी दिक्कत हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं धीरे 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 करके आप लोग को है ना सिलेबस की ओर ले जा रहा हूँ, है ना, जहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, बोर्ड में और कंपटीशन में पूछेंगे। आपका मुझसे